हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये किस मोड में होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ये सब बात करेंगे ही, लेकिन अभी नोटिस आया है किसी कोर्स का जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये किस कोर्स का है और कौन सा एग्ज़ाम ऑफलाइन होने को है, तो ये हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। इससे पहले हम आपको बता दें आपके एग्ज़ाम के बारे में, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो ये 100% आपका ऑफलाइन होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, है ना, ऑफलाइन होगा। और ये जान लेते हैं कि कब तक होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गाइज, अभी आपका फॉर्म भरा जा रहा है, अभी लास्ट डेट ख़त्म हुआ किसी किसी कोर्स का। अलग अलग कोर्स का अलग अलग डेट था, है ना, आपको जैसे कि पता है। तो लास्ट डेट जो है, काफ़ी सारे कोर्स का लास्ट डेट एंड हो गया। तो अभी क्या है, लेट फी वाला डेट चल रहा है ना। लेट फी करके आपका था कि लेट फी भरेंगे, विद फी के साथ आप भरते, मतलब जो एक्चुअल फीस था उसके साथ भरते। तो अगर मान लेते हैं 10 जुलाई था, तो उसका लेट फी के साथ 25 जुलाई दे दिया था, 15 दिन एक्स्ट्रा, 10 दिन एक्स्ट्रा सभी कोर्स में। तो पूरा जुलाई में लगभग फॉर्म का ये चलेगा। तो जुलाई का हो सकता है कि जुलाई का एंड में आपको, एंड में जो है फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दे सकता है ना। एडिट करने का ऑप्शन जैसे ही मिलेगा, उसके बाद उसके 5 से 6 दिन के अंदर में जो है आपका एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम का डेट आ जाता है। एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपका आएगा, एग्ज़ाम का जो है डेट आ जाएगा, है ना, कि कब तक आपका एग्ज़ाम होना है। बहुत जल्द आ जाएगा गाइज, सिर्फ जब तक देखिए आपका फॉर्म का एडिट करने का ऑप्शन आ जाए, उसके बाद आपको जो है डेट क्या है, कब तक होना है एग्ज़ाम, वो पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए, है ना। तो जिसका भी एरर हो गया है, फॉर्म में मिस्टेक है, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म अगर सबमिट हो गया है, तो आपका जो है एडिट करने का भी ऑप्शन आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी उन्हें दिक्कत है कि कैसे करेगा वो। मतलब बहुत सारा काम वहाँ पे होता है ना, जितना डेटा आपके पास होता है उतना कंट्रोलर ऑफिस में भी होता है, कंट्रोलर एग्ज़ाम में भी आपका सारा डेटा होता है। तो उसको मैच करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम इस नोटिस के बारे में, ये कौन सा नोटिस आया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये नोटिस हम आपको दिखाएंगे, ऐसे ही नहीं लगाए हैं, आपको दिखाएंगे। तो ओके गाइज, आई होप कि आप समझ गए। देखिए, अब बात कर लेते हैं फाइनली जो है एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम आपका जो है, अभी जुलाई है, अगस्त का लास्ट वीक या फिर सितंबर का फर्स्ट वीक मान सकते हैं, सितंबर का फर्स्ट से लेकर सेकंड थर्ड वीक मान सकते हैं, या फिर अगस्त का लास्ट वीक। ये दो चांसेस है इतना एंट्रेंस एग्ज़ाम का, लेकिन गारंटी जो ज़्यादा चांस है वो सितंबर में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने का चांस है। ठीक है, सितंबर तक जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, सितंबर तक मतलब हो जाना है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर कोई वेब या फिर कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हुआ, तो आपका सितंबर तक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। बाकी प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं, क्या चल रहा है, आप कमेंट करके बताएं। किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, आप कमेंट कीजिएगा, हम जो है आप पे वीडियो बनाएंगे, या फिर आपको मैसेज करके बताएंगे, या फिर आपका कमेंट का रिप्लाई तो मिलता ही मिलता है। तो चलिए आप देख लेते हैं इस नोटिस को, इसमें क्या आया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो यही सब मैं गलती कर देता हूँ, उस टाइम वीडियो 2-3 मिनट चल चुका है, फिर बोलते हैं जाके लेट्स स्टार्ट, है ना। तो चलिए इग्नोर कीजिएगा इन सब बातों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता, ये सब चलता है। देखिए ये क्या है, मेडिसिन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का जो है एग्ज़ाम, ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। ये कौन सा एग्ज़ाम, उनका जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, जो MBBS के प्रोफेशनल बैच जो है 2018 का जो बैच है ना, तो उनका जो है 27 जुलाई से उनका एग्ज़ाम होना है ऑफलाइन, ऑफलाइन मोड पे उनका एग्ज़ाम हुआ। तो इससे पता चलता है, जब इनका मेडिकल वाले का, देखिए लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मेडिकल वाले का सब कुछ खुल गया, जो MBBS कर रहे हैं जितने भी कोर्सेज हैं इसमें, इसका जो खुल गया था, उसके बाद सब कुछ ऑफलाइन धीरे धीरे खुलने लगा था। आपको पता है ना, लाइब्रेरी तक जो है खुल गया था, डिपार्टमेंट्स खुल रहे थे, सब कुछ, सिर्फ ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना, बाकी सब कुछ हो गया। तो देखिए अब इनका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो इसका मतलब इनका क्लासेज भी अब जो है फ्रेशर्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो है प्रोसेस, जैसे धीरे धीरे पहले मेडिकल वाले का होता है, फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाले का होता है, टेक्नोलॉजी वाले का होता है, फिर जो है जनरल का आता है ना। तो लास्ट में हम लोग हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।